सूर्या जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, साइलेंट काफी देर से वेट कर रहे हैं, आप आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी आवाज। मेरा गला खराब हो गया है, 10 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर इंडिया में, इस वजह से थोड़ा गला खराब है। आप गिलास से पानी पिए, गला ठीक होगा, बारिश सारे डायरेक्ट तो नहीं पी रहे पानी। वो गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ साउथ इंडिया भारत में भी कजिन से शादी होती है, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मामा भांजे जो मामा बुआ की जो बहनें होती है साउथ इंडिया में शादी होती है उनसे, जो आप कह रहे थे मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वहाँ पर भी शादी होती है। मैं बट मैं एक बात पूछ, आप मुझे एक डेफिनेशन दे, एथियस्ट की डेफिनेशन दे मुझे। सिंपल सी डेफिनेशन है, एथियस वो होता है जो ये कहता है कि मुझे इस चीज का सबूत नहीं मिला कि इस कायनात को बनाने वाला कोई थर्ड पार्टी है, किसी एक हस्ती ने इसको बनाया, मुझे मैं इससे कन्विंस्ड नहीं हूँ। यानी कि आप साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं? हम आप इसको फलसफे के ऊपर भी रख लें, हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ना लॉजिक से ना एम्पिरिकली साइंस से, इस चीज का सबूत मिलता है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है। और एक और भी डेफिनेशन है, मैं ऐड कर देता हूँ, एथियस वो होता है जो सनातनी मजहब को सही समझता है, वो अच्छा है, वो एथियस होता है। कंफ्यूज मत करो भाई। नहीं आप लोग कुछ भी कह, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ने काफी रिसर्च करी होगी उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं जी। रिसर्च करने आप लोगों ने करी होगी क्योंकि आपको बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, कुछ भी वो भी होगा। सूर्या जी नहीं, चंद लोगों के पास कॉमन सेंस होती है, मेरी कॉमन सेंस मुझे ये कहती है कि इतने सालों से, 1400 साल पहले ही सिर्फ सारे मिरेकल्स हुए, सारे मौजजे हुए, उतने अरसे में अब तक कोई मौजजा क्यों नहीं हुआ? फिर मेरी अगर ये भी कहती है कि अगर एक कोई खुदा है तो ये सारे बेचारे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, किसी बच्ची का रेप हो रहा है, तो वो खुदा उसको रोकता क्यों नहीं है? राइट, एक इसमें आपको पढ़ने की कोई चीज जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, आप अपने दिमाग को खोल के सोचें कि अगर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जैसे कि इन्होंने कहा था एडम और ईव, अगर वो पहले इंसान थे तो उनकी नस्लें कैसी बढ़ी आके? वो दोनों को, बच्चों को आपस में सेक्स करना पड़ा था ना, तब जाके नस्लें बड़ी होंगी। तो ये कैसा खुदा है कि पहले उसने खुद ही इंसेस्ट करवाया और फिर बाद में कह दिया ये गलत है? तो ये कॉमन सेंस होती है बहुत सारी चीजों में, आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मगर जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो फिर तो आप कहते हो भैया ये तो पता नहीं क्या ही है, फिर उसमें तो और गंद निकलता है। मेरी बात, मैं कभी खुदा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साइंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले उन्होंने साइंस में ये जो लिखा है कि पहले बंदर थे, उससे धीरे धीरे बन के इंसान बने आदमी, मैं तो साइंस की बात कर रहा हूँ। पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे बन के इंसान बने टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है आदमी वैसे चेंज होता जाता है। तो फिर क्या पॉइंट है? हाँ, तो क्या एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? एवोल्यूशन है तो क्या इसमें? हाँ, क्या बात है? मैं आज की यहाँ पर भी रेप होता है, यहाँ पर भी रेप होता है, इंडिया में जो भी होता है, हर यानी कि जुल्म हर जगह होता है जी। मैं ये नहीं कहता कोई अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन इंसानियत का मतलब ये होता है कि हर किसी के साथ अच्छे से रहो। हाँ ये अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका उससे क्या ताल्लुक है एथियज्म की डेफिनेशन से और एथियज्म से? मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि मैं ओनली एक, यानी कि मैं ये करता हूँ, कोई एक शक्ति है, यानी कि शक्ति का मतलब एक पावर है जिससे हम लोग, वो है एक शक्ति है। वो क्या है? वो क्या है? कौन सी शक्ति? कहाँ से आई है? किसने बताया? वो यूनिवर्स हो सकता है। नहीं, यूनिवर्स में तो दिमाग नहीं है क्या? सूरज के पास दिमाग है? सूरज सोचता है? नहीं, सूरज से रोशनी तो, सूरज से रोशनी मिलती है, रोशनी तो नहीं, एक एनर्जी मिलती है कि नहीं? ओ, एनर्जी से, एनर्जी मिलती है तो एनर्जी का मतलब ये तो नहीं कि उसके अंदर सोच है जो हमें कंट्रोल कर रही है कि आप इस तरह सोचें। आपको अगर सोच में नहीं होगा तो हम लोग ये सब बिना एनर्जी के हम लोग जिंदा रह सकते हैं? आप बता दो। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है, नहीं नहीं रह सकते। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें बता रही है
कि आपने क्या करना है, मैंने आपसे किस तरह बात करनी है, क्या सूरज मुझे बताता है कि मैंने आपसे किस तरह बात करनी है। मगर हारे चंद मुल्क हैं जहां पर 6 महीने तक डार्कनेस रहती है, वो तो जिंदा रहते हैं ना, वहां तो एनर्जी तो होती है ना, एनर्जी तो है, मगर ये कह रहे हैं ना कि सूरज की सिर्फ अगर पर्टिकुलर आप बात कर रहे हो तो सूरज के बगैर भी लोग रह रहे हैं, वो है एनर्जी इज समथिंग यस। नॉर्वे में 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। नॉर्वे की बात कर रहा हूं साइलर, आपका आवाज पता नहीं क्या है, साइलर आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है साइलर जी, बहुत खराब आ रही है। आप दोबारा से ज्वाइन करें साइलर जी, आपका इंटरनेट है या पता नहीं आवाज की बहुत प्रॉब्लम है। एक सेकंड यार, आपको पॉइंट आ गया, सुन लें इसको। आप जो कह रहे हैं कि सूरज से रोशनी मिलती है, तो रोशनी से हमें पता है, सूरज से एनर्जी मिलती है, हमें पेट्रोल से भी हमारी गाड़ियों को एनर्जी मिलती है, ये तो ऑब्जर्वेबल नेचुरल फिनोमेना है। इसका आपकी और हमारी जिंदगी को कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी, इसका इससे क्या, इसके पीछे सोच तो कोई नहीं है, देयर इज नो कॉन्शियसनेस बिहाइंड इट। आप ये क्या रहे हैं कि सूरज सोचता है कि आज मैंने रोशनी फेंकनी है इनके ऊपर तो आज हारिस उठेगा सुबह 10 बजे और वो फिर सूर्या से बात करेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, सूरज है और चंद्रमा भी है और एक्लिप्स भी पड़ता है जब सूरज के सामने चंद्रमा आ जाता है, ये नेचुरल है, ये तो हम इससे अब, तो हमें पता है इस बात का, हमें पता है इस बात का इससे इससे आपकी जिंदगी को क्या, ये शक्ति आपको कैसे, कुछ सोच समझ तो नहीं है, ये तो पावर है, हमें भी पता The force है, क्या है इसमें? I don't think so, Magdad, Empire, Bihar, no, I don't think okay, inbreeding is allowed in USA. नहीं, I have never heard of it. अब फ्यूचर में जाना है, यानी कि फ्यूचर कैसे हम लोगों को फ्यूचर के, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ लाइफ चलती है, अब समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे लाइफ खत्म हो जाती है, हम लोग कितने समय जिएंगे, 100-80 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 90 साल हो गए, उसके बाद हम लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन सूरज खत्म नहीं हो रहा है ना, चंद्रमा खत्म होगा, 4 बिलियन साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग इंसान है, हम लोगों का एक समय है कि इतने साल तक जी सकते हैं। हाँ, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है मेरे भाई? पॉइंट क्या है सूर्या जी, आपका पॉइंट क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट है क्या आपका? मेरा ये है, प्यार से रहो, नफरत किसी से ना करो। सूरज से क्या ताल्लुक है, इससे क्या ताल्लुक है, तो मगर हम लोग कौन सा नफरत फैला रहे हैं सूर्या जी, यही तो हम भी बात कर रहे हैं ना कि सब लोग प्यार से रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप कुछ भी करें, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आप किसी को गाली दें, कुछ भी करें, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम के साथ चलेगी, अच्छा चलो उम्र भी, पता नहीं आपने कोई नई ऐसी बात बता दी, थैंक यू सो मच गाइस, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी जाना है, 3:30 घंटे हो गए हैं।